हाँ तो देखिए, जैसे कि आपने सीट नंबर कितने में 42 में देखा होगा, ठीक है, तो उसमें देखा होगा आपने कैसे किसी भी कोई भी डेट है उसका दिन निकालना, ठीक है, पूरी डेट कंप्लीट डेट होनी चाहिए उसका दिन निकालना, जैसा कि कोड में आया था पीछे, उसी प्रकार से आज हम दिखाएंगे सीट नंबर 42.1 में कैसे किसी भी डेट का पूरा प्रॉपर दिन उसकी सिंगल डेट डबल डेट और जी उसका जैसे कि दिन कौन सा दिन है, संडे मंडे ट्यूजडे पूरा लिखा हुआ, ठीक है ना, इस प्रकार से हम दिखाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है टेक्स्ट, ठीक है, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट इक्वल TEXT, ठीक है, टेक्स्ट हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके लिए लेंगे वैल्यू। वैल्यू लेने के बाद क्या करेंगे हम, कोमा करके इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद यहाँ से लगेंगे एक डी, ठीक है, सिंगल डी लगाएंगे, सिंगल डी लगाने के बाद करेंगे ब्रैकेट बंद, इन्वर्टेड कोमा बंद और ब्रैकेट बंद और करेंगे एंटर, ठीक है। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है 09, ठीक है, डेट का पहला अंक लिया इसने सिर्फ 9, ठीक है ना, क्योंकि कितने तारीख है, 9 तारीख है, ठीक है, इसलिए इसने 9 लिया। इसके बाद दिखाएंगे हम इसमें अगले में, इसमें क्या दिखाएगा, यहाँ से फिर लगाएंगे कोई टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, इसके बाद लेंगे वैल्यू, वैल्यू लेने के बाद कोमा, कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और फिर डी लगाएंगे 2 बार, ठीक है, 2 बार डी लगाने के बाद फिर इन्वर्टेड कोमा और फिर करेंगे ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद करके और एंटर करेंगे, तो ठीक है, देखो इसमें क्या आया, पूरी डेट खाली, अब की बार इसने 09 दोनों अंक उठाए एक साथ। इसी प्रकार से हम फिर से देखेंगे, एक बार और देखते हैं, यहाँ पे दोबारा फिर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट हो गया, इसके बाद लेंगे वैल्यू, वैल्यू लेने के बाद क्या करेंगे हम, कोमा करके इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और 3 बार डी लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 बार डी लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद, इसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो देखो यहाँ क्या लिखा है, गुरुवार, ठीक है, तो इसमें गुरुवार था इस दिन। इसी प्रकार से हम अगली बार फिर देखते हैं इक्वल, यहाँ इसका फिर वही टेक्स्ट लगाएंगे, ठीक है, टेक्स्ट हो गया, इन्वर्टेड कोमा करके कोमा इन्वर्टेड कोमा और 4 बार डी लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा बंद और ब्रैकेट बंद। तो इस बार क्या करेगा, इस बार एंटर देखे पूरा नाम दे देगा, ठीक है, गुरुवार, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी दिन का वो निकाल सकते हैं, जैसे कि मान के चलो हमने एक डेट और लिख के रखी है नीचे, ये हमारी एक डेट है, इसको भी हम नीचे इसी प्रकार से ड्रैग कर लेंगे, जैसे कि ऊपर फॉर्मूला बार में भी दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से हम किसी भी उसका डेट वो निकाल सकते हैं डेट, ठीक है। यहाँ से हो गया 19 पूरा उठाया इसने, यहाँ से का भी ले गया ये पूरा, ठीक है, इसमें इसने 9 इसलिए लिया क्योंकि 0 का काउंट नहीं करते, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे हम नीचे, ठीक है, इस बार इस दिन क्या दिन था, शनिवार था, इसी प्रकार से हम किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या हमने ऐसा करने के बाद अब हम देखते हैं इसमें, मान के चलो कोई भी एक डेट ले लेते हैं हम, आज की कोई एक आज की ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल, जैसे कि पहले भी बताया था आपको कैसे डेट लिखते हैं हम कोई भी, इक्वल यहाँ पे ले लेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है, इक्वल, इक्वल करेंगे, ये इक्वल नहीं कर, ओह अच्छा, ये हमने इसे हिंदी में कर दिया, शिफ्ट से, ठीक है, दोबारा से फिर चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद यहाँ से का लिखेंगे हम कोई भी एक डेट, जैसे कि हाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल नाउ का, इक्वल NOW नाउ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद और करेंगे एंटर, ठीक है। तो ये आज की हमारी डेट और टाइम आ गया एक साथ में, ठीक है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाते हैं हम, इक्वल टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट लगाने के बाद वैल्यू ली, वैल्यू लेने के बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसके बाद लगाएंगे डी 4 बार डी और करेंगे इन्वर्टेड कोमा बंद और ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। तो आज क्या दिन है, आज हमारा बुधवार है, तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं किसी भी वैल्यू को, ठीक है, तो बुधवार निकल गया। इस प्रकार से हम कोई भी एक डेट सेलेक्ट करके उसे निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मान के चलो किसी की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मान के चलो हमारी अपनी एक डेट किसकी लिखता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ 29/8/2020 लिख लेते हैं, ठीक है, हम 29/8/2020 हो गए, इस बार यहाँ एंटर करके इसमें भी वही लगाएंगे इक्वल TEXT, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू लेंगे कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसके बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बाद लेंगे हम यहाँ से का 4 बार डी, वही सेम है, तो ठीक है एंटर। तो इस दिन क्या दिन था, शनिवार था, ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी भी उसका, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ इसने बुधवार दिया, हम इसको यहाँ से फॉर्मूला इसमें चेक करेंगे एक बार डेट में, ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हम इसे थोड़ा सा घुमाएंगे अपने कैमरे को, कैमरा इतना अच्छा तो है नहीं फिर भी, ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ इसका, ये हमारा बुधवार है और ये यहाँ इसका 20 तारीख में बुधवार दिया इसमें, ठीक है। ये क्या ये आपके डेट जो सिस्टम की डेट है उसके ऊपर काम करेगा,
ठीक है ना, यदि सिस्टम में डेट सही होगी तो सही करेगा, नहीं तो ये भी गलत देगा कोई भी डेट, ठीक है, इस प्रकार से कर सकता है, ठीक है, तो इस प्रकार निकाल सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने कल एक फॉर्मूला और देखा था वीक डे, ठीक है, वीक डे दिखा होगा आपने 42 सीट में, उसको भी हम एक बार यहाँ लगाते के दिखाते हैं, डब्ल्यू डबल ई के वीक डे, ठीक है, वैल्यू लेंगे हम ये, ठीक है, ये वैल्यू लेने के बाद एंटर करेंगे तो 7 आ गया, ठीक है, 7 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ इसका देखते हैं, 7 नंबर पे क्या कौन सा था, आपको शायद दिखाया भी होगा आपने कल, जैसे कि देख लेते हैं हम हमारी सीट यदि हो करी, ठीक है, इसमें हाँ ये रही, ये हमारी सीट है, सैटरडे लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से देखो आपने देखा भी होगा सैटरडे पे 7 दिखा रहा था, इस प्रकार से हम ले सकते हैं कोई भी सीट को, ठीक है, तो यहाँ इसका सैटरडे पे 7 दिखाया, शनिवार दिखाया, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दोबारा कोई भी डेट हम निकाल के दिखा सकते हैं, एक बार और दिखाते हैं हम कोई एक डेट, जैसे किसी भी डेट का एक वो निकाल लेते हैं हम दिन, कोई भी मान के चलो किसी भी डेट ऑफ बर्थ ले लो, मान के चलो ये ले लेते हैं 98, एंटर, इसके बाद करेंगे इक्वल, यहाँ इसका लगाएंगे हम दोबारा फिर वही फॉर्मूला टेक्स्ट का TEXT, ठीक है, टेक्स्ट हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, वैल्यू ले ली, कोमा इन्वर्टेड कोमा 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार डी हो गया, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो ठीक है, इस दिन क्या किस दिन था है? रविवार की डेट ऑफ बर्थ था, ठीक है, जन्म जो है रविवार का, इस प्रकार से हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से उसका दिन का पता लगा सकते हैं कि किस दिन हुआ था, ठीक है, इसी प्रकार से बने रहिए। और अगली सीट जो है हमारी वर्क डे हो गया, इसमें क्या दिखाएगा, इसमें दिखाएगा अगली सीट में जो सीट नंबर है हमारी, ठीक है, तो उससे के बाद निकालेंगे कि उस दिन यानी ये कोई डेट ले ली उसके पहले वो दिन कब था, जैसे संडे ले लिया, इसमें ही दिखाता हूँ 5 तारीख है, इससे पहले संडे कब था, या फिर यहाँ से लिख लेते हैं हम रविवार, रविवार से पहले 5 तारीख से पहले रविवार कब था किस तारीख का था, तो इस प्रकार से हम अगली सीट में निकालेंगे सीट नंबर 43, ठीक है, तो ओके बने रहिए इसी प्रकार से, ओके।